हाय गाइस, आई एम सौरव फ्रॉम स्टार्टेस फैन ऑफ इन्वेंशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं कि हैंड्स फ्री टेस्टिंग प्रोब्स फॉर मल्टीमीटर बिल्कुल कम खर्चों में कैसे बनाएं। नॉर्मल प्रोब्स में जब आप कुछ चेक कर रहे होते हो तब आपके दोनों हाथ उस प्रोब्स को पकड़ने में एंगेज रहते हैं, इसलिए उस चीज़ को चेक करते वक्त अगर आपको कुछ एडजस्ट करना पड़े तो प्रोब्स को छोड़कर वो काम करना पड़ता है। लेकिन हैंड्स फ्री प्रोब्स का ये बहुत ही बड़ा एक एडवांटेज है कि जिस चीज़ को आप चेक करना चाहते हो या टेस्ट करना चाहते हो बस उस चीज़ से इनको जोड़ दीजिए और बस आपके हाथ बिल्कुल फ्री रहेंगे, कुछ वोल्टेज एडजस्टमेंट जैसे काम वगैरह कर सकते हैं। वैसे तो ये हैंड्स फ्री प्रोब्स ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं बट बहुत ओवर प्राइस्ड है, दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। अगर फिर भी आप इंटरेस्टेड होते हो ऑनलाइन से खरीदने में तो लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। हैंड्स फ्री प्रोब्स के इस्तेमाल के एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। मेरे पास यहाँ एक 10 किलो ओम के पोटेंशियोमीटर है जिसमें कि मैं एक पॉइंट खोज रहा हूँ नियर अबाउट 5 किलो ओम। ओके, सो मैं इस पर नॉर्मल प्रोब से ही मेज़र करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे बहुत ही डिफ़िकल्टी हो रहा है इस प्रोब्स को पोटेंशियोमीटर के लीड्स में पकड़े रखने में और एट द सेम टाइम पोटेंशियोमीटर के नॉब को एडजस्ट करने में। तो मैं इस वीडियो के एंड में आप लोगों को दिखाऊंगा कि यही काम हैंड्स फ्री प्रोब से कितना आसान हो जाता है। तो आइए पहले हैंड्स फ्री प्रोब्स को बना लेते हैं। हैंड्स फ्री प्रोब्स को बनाने के लिए जो सबसे पहले चाहिए एक नॉर्मल प्रोब्स जो आपके मल्टीमीटर के साथ फ्री में आता है और दो एलिगेटर क्लिप्स। ये एलिगेटर क्लिप्स आपको लोकल किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में मिल जाएगा। उसके बाद जो नॉर्मल प्रोब है उसको एक वायर कटर से काट दीजिए। उसके बाद मैं इसके वायर के साथ एलिगेटर क्लिप्स को जोड़ने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा वायर यूज़ किया है, अगर आप चाहे तो उस प्रॉप्स के वायर के साथ भी डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। पहले मैं उस एक्स्ट्रा वायर्स को प्रॉप्स के वायर्स के साथ जोड़ लेता हूँ। मैं एक्स्ट्रा वायर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मल्टीमीटर से प्रॉप्स का डिस्टेंस मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए। उसके बाद अच्छी तरह से जो जॉइंट है उसको टेप से इंसुलेटेड कर दीजिए। अब बारी है एलिगेटर क्लिप्स को उस वायर के साथ अच्छी तरह से सोल्डर करने का। सोल्डरिंग कंप्लीट होने के बाद एलिगेटर क्लिप्स के कवर को उसके ऊपर अच्छी तरह से चढ़ा दीजिए। Now we're done. हमारा हैंड्स फ्री प्रॉब्स फॉर मल्टीमीटर इज रेडी नाउ। अभी देखिए मैं वो सेम टेस्ट करने वाला हूँ जो इस वीडियो के शुरू के वक्त किया था। मैं इस 10 किलो ओम पोटेंशियोमीटर के अंदर 5 किलो ओम के पॉइंट ढूंढ रहा हूँ। अभी देखिए इस हैंड्स फ्री प्रॉब्स के मदद से ये काम कितना आसान हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक का जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।